हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। तो गाइस, आज की वीडियो में मैं आपके लिए एक ऐसा कमाल का प्रैंक लेके आया हूँ जो कि अगर आप अपने दोस्तों के साथ करोगे ना तो उनका दिमाग हिल जाएगा। क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने दोस्त के या फिर किसी के भी कंप्यूटर के डेस्कटॉप को फ्रीज कैसे कर सकते हैं। जैसे आप किसी को बोलते हैं ना स्टैचू, तो वहीं पर जम जाता है। गाइस, हम वही करने वाले हैं। तो गाइस, देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले आपको डेस्कटॉप पर आना है और यहाँ पर अगर कोई फाइल ओपन है तो आपको उन सभी फाइलों को क्लोज कर देना है, एक भी फाइल ओपन नहीं होनी चाहिए। अब आपको इस पूरे डेस्कटॉप का स्क्रीनशॉट लेना है। स्क्रीनशॉट कैसे लेंगे? आप कीबोर्ड में प्रेस कर सकते हैं कंट्रोल प्लस प्रिंट स्क्रीन, या फिर अगर आपके कीबोर्ड में फंक्शन प्लस प्रिंट स्क्रीन वाला ऑप्शन है तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी भी तरीके से स्क्रीनशॉट लेंगे। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप ओपन करेंगे एमएस पेंट। आप विंडो आर प्रेस कर सकते हैं, एमएस पेंट रन कमांड से ओपन कर सकते हैं। एमएस पेंट ओपन करने के बाद आपने जो स्क्रीनशॉट लिया है उसको यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। आप कीबोर्ड में प्रेस करेंगे कंट्रोल वी तो आपने जो स्क्रीनशॉट लिया है वो यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा। आपको इस फाइल को सेव कर देना है कहीं पर भी, ठीक है। मैं इसको अदर में सेव कर देता हूँ, ठीक है, वन नाम दे देता हूँ, ठीक है। फाइल सेव कर दी आपने। फाइल सेव करने के बाद आपको इसको सिंपली क्लोज कर देना है। अब आपको डेस्कटॉप पर आना है और यहाँ पर राइट क्लिक करना है, यहाँ पर व्यू में जाना है। यहाँ पर आपको नीचे ऑप्शन दिखाई देगा शो डेस्कटॉप आइकन्स, आपको इसको अनचेक कर देना है। तो आपके डेस्कटॉप के जो आइकन है वो सभी आइकन हाइड हो जाएंगे। अब आपको क्या करना है, जो आपने फाइल सेव करी है उसको फाइल को ओपन करना है। मैंने ये फाइल यहाँ पर सेव करी थी। अब इस फाइल को ओपन करना है, यहाँ पर क्लिक करना है, राइट क्लिक करना है इस फाइल के ऊपर और यहाँ पर ऑप्शन दिखाई देगा आपको सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड, इस पर क्लिक करना है। तो गाइज, अभी आप देख सकते हैं ये फाइल हमारे डेस्कटॉप के बैकग्राउंड पर लग चुकी है। अब चालू होता है हमारा प्रैंक। अब मान लीजिए आपका फ्रेंड आता है, अब आपका फ्रेंड इन फाइलों पर क्लिक करने की कोशिश करेगा तो गाइज वो फाइल ओपन नहीं होगी और उसका दिमाग ख़राब हो जाएगा। उसे लगेगा कि यार मेरे डेस्कटॉप पर क्या हो गया, फाइल क्यों नहीं ओपन हो रही, ये नीचे वाली फाइलें तो ओपन हो रही हैं लेकिन ये डेस्कटॉप पे जो आइकन है ये वाली फाइलें ओपन क्यों नहीं हो रही। वो उसका दिमाग पगला जाएगा, अरे मेरा डेस्कटॉप ख़राब तो नहीं हो गया। आपके फ्रेंड को नहीं पता कि एक्चुअली में ये एक वॉलपेपर है। आपके दोस्त का दिमाग ख़राब हो रहा होगा और आप अंदर ही अंदर मजे ले रहे होंगे, अरे वाह। अरे वो क्लिक करेगा, किसी भी फाइल को भी क्लिक करेगा वो ओपन होगी नहीं। आपका अगर प्रैंक खत्म हो गया हो तो आप इसको नॉर्मल कैसे कर सकते हैं? दोबारा से यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, व्यू में जाएंगे, शो डेस्कटॉप आइकन्स पे क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पर पर्सनलाइजेशन में जाएंगे। तो जो गाइस जो आपका वॉलपेपर है उसको आप चेंज कर सकते हैं, कोई भी वॉलपेपर लगा सकते हैं, ठीक है, या फिर जो भी आपका पहला वाला वॉलपेपर था उस वॉलपेपर को भी आप यहाँ पर लगा सकते हैं, ठीक है। तो आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।